अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप नेचुरल वॉइसेस सुनेंगे मेरी वीडियो में थोड़ी सी। ये जो पीछे पैरट्स बोल रहे हैं इनकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने आज सोचा कि उन्हें नेचुरल चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ। आज मैं कढ़ी पकौड़ा की देसी रेसिपी लेके आई हूँ, आप लोगों के सामने देसी अंदाज में बनाऊंगी भी। ये मैं पकौड़ों के लिए आलू की कटिंग भी कर लूँगी। आपको जैसे पकौड़ों में आलू पसंद हो वैसे कटिंग करें, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, इस वजह से मैं हमेशा ऐसे ही पकौड़ों की कटिंग आलूओं की कटिंग करके पकौड़े बनाती हूँ। ये आप देख लें कितनी ज़बरदस्त कटिंग हुई है। चलिए हम करी का मटेरियल तैयार करते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 kg ले लिया है योगर्ट, जो फ्रेश योगर्ट है। हम इसमें ग्राइंडर में मैं इसको करूँगी, अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। जार में मैंने इसको 1 kg डाल दिया है। हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी, तकरीबन एक कप के करीब मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। और इसी में ही मैं टमाटर, जो मेरे पास 2 थे मीडियम साइज़ के, मैंने उनको कटिंग करके रखा था, वो ऐड कर रही हूँ। और ये 1 कप बेसन है मेरे पास, जिसको मैंने छान लिया था अच्छी तरह से। छाने वगैरह चीज़ ना यूज़ किया करें, कुछ भी पता नहीं होता उसके बीच में, अगर कुछ है ऐसा पड़ा हो जो नहीं खाना चाहिए। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से, 2-3 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि ब्लेंड हो चुके हैं तीनों चीज़ें। आपने मेरा निहाली से पहले कभी भी इस स्टाइल से कढ़ी पकौड़ा बनाया होगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, इस रेसिपी को आपको अच्छी लगेगी। ये मैं आज मट्टी की हांडी में बना रही हूँ, मट्टी की कढ़ाई है मेरे पास। उसमें सबसे पहले मैं साबुत गरम मसाला डालूँगी। मैंने इसमें ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब ये डालने के बाद 1-2 सेकेंड के बाद मैं इसमें ग्रीन अनियन डालूँगी, जिसको मैंने चॉप करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसको ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया था। ये देख सकते हैं आप, मैंने ग्रीन अनियन अब इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर ही इसकी भुनाई करेंगे। मट्टी की हांडी गर्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन जब गर्म हो जाती है तो बहुत जल्दी उसमें चीज़ बन जाती है। मट्टी की हांडी की लज्जत, उसका जायका ही कुछ और होता है जब आप उसमें बनाते हैं। मुझे बहुत पसंद है मट्टी के बर्तन में कुकिंग करना। मेरे चैनल पर पहले भी मैंने एक बार शेयर की हुई है। ये मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें दरदरा सा साबुत धनिया, रेड फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून रेड चिली और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट है, और 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर यूज़ किया है मैंने, क्योंकि करी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और स्पाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा फीकी हो जाती है और इतनी अच्छी नहीं लगती है। आप देख सकते हैं मैं इसको 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए। अब मैं इसमें जो मैंने लस्सी को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैंने एक जार ये जो सा है ये पूरा पानी का ऐड करूँगी, और आधा जार और भी इसमें पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि करी जितनी देर पकती है लो फ्लेम पर उतना ही अच्छा उसका टेस्ट होता है। और मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, हमेशा लो फ्लेम पर 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको पकने के लिए रखती हूँ, जिससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत इन्हेंस हो जाता है इसका टेस्ट। अब हम इसमें मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे, हमने बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी इसका चमचा हिलाना नहीं छोड़ना है, वरना लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जब तक इसको बॉईल नहीं आ जाता तब तक हम इसमें चमचा हिलाते रहेंगे मुसलसल। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें आधा जार और पानी का ऐड किया है, ताकि जब तक ये कढ़ी 1.5 से 2 घंटे पकेगी तो उसके बाद ये अच्छी तरह से थिक हो जाएगी। अगर पानी ऐड नहीं करेंगे तो वो फ़ौरन से थिक हो जाएगी और उसका कच्चा पानी रह जाएगा, वो कढ़ी इतनी अच्छी टेस्टी नहीं लगती है जो बहुत जल्दी बनाई जाए। कढ़ी का वही मज़ा आता है जब वो ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुका है, मुझे इसमें चमचा हिलाते कम अज़ कम 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है, अब मैं इसको हाफ कवर करके रखूँगी और इधर मैं अपने पकौड़े बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं पकौड़ों वाली कढ़ी बना रही हूँ। इस वजह से
मैंने इसमें ग्रीन पार्ट, ग्रीन अनियन और तमाम स्पाइसेस ऐड कर लिए थे। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपके साथ इन पकौड़ों की रेसिपी भी, क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सिर्फ एक पोटैटो डाला है, मैं देखने के लिए कि ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। अब मैं हाथों के साथ इन पकौड़ों को सब डालना स्टार्ट करूँगी। छोटे बड़े आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितने साइज़ के आप रखना चाहते हैं। बारिश का मौसम हो और पकौड़े ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। यहाँ पर हम पकौड़े जो से बनाना स्टार्ट कर चुके हैं और मीडियम फ्लेम पर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई होते हुए, इनकी साइड टर्न कर रही हूँ। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये अंदर तक पकेंगे नहीं अच्छी तरह से और कच्चापन रहेगा इसमें, आलू भी कच्चे रहेंगे और बाकी मटेरियल भी कच्चापन उसमें रहेगा। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो अच्छी तरह से अंदर तक पकेंगे, कुक हो जाएंगे और वो खाने में भी टेस्टी लगेंगे। आप ये देखिएगा ये कितने क्रिस्पी और कितने ज़बरदस्त पकौड़े बने थे। देसी खाने किसे पसंद नहीं होते, देसी खाने तो हर बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके साथ देसी खानों की और अच्छी अच्छी से रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करूं। आप में से किस किस को मिट्टी की हांडी में खाना खाना उसका पसंद होता है मुझे कमेंट जरूर बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये पकौड़े जो से फ्राई हो चुके हैं मैं इनको निकाल रही हूँ, छन्नी की मदद से मैं इनको निकाल लूँगी और एक प्लेट में रख जाऊँगी। ये देखें इस करी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें ग्रीन चिली और हरा धनिया जो मैंने कटिंग करके अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था वो इसमें ऐड करके मिक्स कर लूँगी और ऊपर से आधा ढक्कन इसके ऊपर रख दूँगी। पूरा नहीं कवर करना है इसको, हाफ कवर करना है। इसको मिक्स कर लिया, ये देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक ये थिक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये इतना हैवी इसका ढक्कन है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है ये मिट्टी की हांडी उसका ढक्कन। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है और तकरीबन इसको पकते हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने इसमें पकौड़े ऐड कर दिए जो मैंने बनाए थे। अब हम फ्लेम को टर्न ऑफ कर लेंगे क्योंकि मिट्टी की हांडी इतनी गर्म होती है कि वो घंटा कम अज़ कम उसमें जो भी चीज़ पकाई जाए वो ठंडी नहीं होती। ये आप देख सकते हैं करी तैयार हो चुकी है, इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको करी की रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होंगी। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।